वेलकम व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस पिकनिक सपाट की बात कर रहे हैं, ये नागनी का पिकनिक सपाट है। आज हम एक्सकर्शन को आए हैं। ये पिकनिक सपाट भारत से थोड़ा लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये काफ़ी अच्छा पिकनिक सपाट है। यहाँ पहाड़ियों का नज़ारा कर सकते हैं आप, कितना दिलकश नज़ारा है। उस साइड में ये डलद्रमन का इलाका पड़ता है, ये डलद्रमन साइड है। और अगर ऊपर की बात करें हम, वो मोर्चा टाप है। आगे की पहाड़ी जो है वो थथरी टाप है, तो थथरी वगैरह। तो इन पहाड़ियों के अलग अलग नाम हैं, उतने हम पहाड़ियों के नाम भी नहीं जानते हैं। ये नागनी का जो पिकनिक सपाट है, ये काफ़ी अच्छा पिकनिक सपाट इसी साल लगभग ये वजूद में आया। पहले भी यहाँ लोग आया करते थे, मगर यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। इस बार गवर्नमेंट ने यहाँ रोड पहुँचाई है और रोड इन प्रोग्रेस है। नीचे आप विजुअल में देख सकते हैं, नीचे L&T मशीन लगी है। ये मशीन अभी, ये रोड लगभग जिस स्टॉप पर हम खड़े हैं यहाँ पर पहुँचेगी। यहाँ पर पहुँचने के बाद ये इस पहाड़ी को क्रॉस करते हुए उस साइड में डाउन, यहाँ से रोड को थोड़ी चढ़ाई है और यहाँ से रोड डाउन हो जाएगी। और उस बार जो आप देख सकते हैं, ये कैशवान का इलाका है और कैशवान से होते हुए किश्तवाड़ पहुँच जाएगी। रोड वैसे काफ़ी अच्छी है, अगर कच्ची है फिर भी काफ़ी खड़े छड़े नहीं है, काफ़ी प्लेन रोड है। ठेकेदार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो हमें भी पहले बार मौका मिला बाई रोड आने का। तो पहले हम जब छोटे होते थे तो हम एक्सकर्शन को स्कूल वगैरह के साथ आया करते थे इन पहाड़ियों पर। तो यहाँ पैदल सफ़र करते थे हम, लगभग हमें 2-3 घंटे का टाइम समय लगता था। इस बार हमें गाड़ी में लगभग 1.5 घंटे में हमने कवर कर लिया। नीचे आप देख सकते हैं, ये पिकनिक सपाट है और ये रोड आप देख सकते हैं, और ये रोड अभी इन प्रोग्रेस है। काफ़ी गाड़ियों का रश है नीचे, काफ़ी अच्छा पिकनिक सपाट है, क्योंकि पानी वगैरह का भी यहाँ काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है और काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। तो अभी भी ये अभी काफ़ी लोगों को अभी इस पिकनिक सपाट के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है, फिर भी लोग जिनको जानकारी है वो कोशिश करते हैं यहाँ आने की। आप भी कोशिश करना, अगर आपको मौका मिले कि आप यहाँ इस पिकनिक सपाट का नज़ारा कर सकते हैं, तो काफ़ी दिलकश नज़ारा है। मुझे ये जो रोड देख रहा हूँ मैं, ये लगभग बहुत अच्छी रोड है। जैसे हम पद्नी टॉप से गुजर रहे हैं, या अगर हम कश्मीर की बात करें, किश्तवाड़ से पीछे जो सिंथन टॉप से जो रोड जाती है, ये सिंथन जैसा व्यूज़ पेश करता है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो आगे ये इस रोड में ब्लैक टॉपिंग भी होगी और ये रोड बिल्कुल कनेक्ट कैशवान के साथ हो जाएगी, और तब काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी रश रहेगा इस रोड पर, क्योंकि ये डोडा से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है ये नागनी का इलाका। तो काफ़ी अच्छा पिकनिक सपाट है। लोग जयगढ़ बाकी जगहों पर जाते थे, हम भी वहाँ गए, काफ़ी अच्छा वहाँ भी है, मगर मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, क्योंकि काफ़ी खुला मैदान है, साइड में पहाड़ियाँ हैं और काफ़ी पेड़ों का रश है, पानी भी काफ़ी अच्छा है। तो नीचे आप विजुअल में देख सकते हैं कि नीचे दुकानें वगैरह भी लोगों ने रखी हुई हैं, तो काफ़ी फैसिलिटी है यहाँ पर। और गाड़ियाँ अगर देखेंगे आप विजुअल में, तो अभी यहाँ से दिख नहीं रही हैं, काफ़ी गाड़ियाँ हैं, लगभग 50-60 गाड़ियाँ मैंने नीचे देखी, हमने भी गाड़ी नीचे रखी है। तो आप भी कोशिश करना यहाँ आने की। तो इस जगह को आज हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिला, तो आप भी आ सकते हैं इस जगह पर, काफ़ी अच्छा, काफ़ी दिलकश नज़ारा पेश करता है। ये नीचे आप जो देख सकते हैं गांव, ये भारत का गांव है और उस साइड में बगला वगैरह का इलाका पड़ता है, आगे बिखड़ियान, दमसी, कुलुहांड वगैरह। तो आपको डोडा से अगर आप यहाँ नागनी टॉप आने की सोचेंगे या आने का प्लान करेंगे, तो आपको लगभग 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। तो क्योंकि अभी कच्ची ही रोड है, मगर फिर भी काफ़ी अच्छी है, खड्डे वगैरह नहीं हैं। हमने कच्ची रोडें देखी हैं, काफ़ी खड्डे वगैरह रहते हैं, गाड़ी का बड़ा नुकसान होता है, लेकिन हमें काफ़ी अच्छा लगा। रोड काफ़ी अच्छी है और वर्क इन प्रोग्रेस है। तो उस साइड में भी देख सकते हैं, काफ़ी ऊंची पहाड़ियां हैं और इस साइड में कैशवान का इलाका वगैरह, ये कैशवान के गुजर वगैरह वहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे गुजर वगैरह भैंसें, उनका नज़ारा किया हमने। काफ़ी मुश्किल रहती है इनकी ज़िंदगी, इन पहाड़ियों पर ये ज़िंदगी बसर करते हैं, मुश्किल तो है, मगर आब हवा काफ़ी साफ़ यहाँ पर रहती है और पानी भी इनको बिल्कुल ताज़ा मिलता है। फिर भी शायद या इनकी मजबूरी कहें या इनका शौक, ये इन्हीं को पता होगा क्यों ये इधर आते हैं।
तो इनका काम ही यही भैंसे चराना वगैरह है। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा हमें यहाँ महसूस हुआ। आप भी कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको यहाँ की जगह कैसी लगी। जब हम नीचे जाएंगे, हम नीचे भी ग्राउंड का बिल्कुल आपको नज़ारा कराएंगे। सुकोद्रा बेजर ही मन करो फ़ोन। अच्छा तो अच्छा, खुदा हाफिज़।